हेलो एवरीवन, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज की वीडियो में हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में जानेंगे। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो आप जैसे कि फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे और क्लोजिंग प्राइस दे रखा है इसका। एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है और उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है जो उससे ऊपर प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई थी और अराउंड 50% से भी ज़्यादा नीचे क्लोज हो रही है प्रीवियस डे के कैंडल के। ठीक है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है और कंफर्मेशन हुआ है कि ट्रेंड नीचे का हो रहा है। ठीक है, तो आप चार्ट देख रहे हैं नीचे वाली, उससे नीचे की इमेज में वो अब ट्रेंड का फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। और बाकी इस ट्रेंड की क्या खासियतें हैं वो देख लेते हैं। एक टू कैंडल पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब ट्रेंड में बनता है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन रहेगी यानी कि बुलिश, और जो सेकंड कैंडल होगी वो रेड बनेगी यानी कि बियरिश, और जो दोनों कैंडल हैं वो बड़ी होनी चाहिए यानी कि मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज से, और रेड कैंडल जो है वो ओपन होती है ग्रीन कैंडल के ऊपर और रेड कैंडल क्लोज होती है ग्रीन कैंडल के मिडल से थोड़ा नीचे। ओके, थैंक यू।